नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात अगर उत्तर प्रदेश में करें तो कुछ परिणाम इतिहास बनाने के साथ साथ अलग व्यवस्था की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। बात अगर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की करें तो यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और प्रसिद्ध शिक्षाविद एसपी सिंह पटेल ने भाजपा को हराकर इतिहास बना दिया है। प्रतापगढ़ सीट हमेशा से चर्चा में रही है क्योंकि यहां की लड़ाई को लेकर बड़ी मेहनत की गई और जमकर बयानबाजी हुई। आज सपा कार्यालय में सांसदों की बैठक में भाग लेने आए इसी महत्वपूर्ण सीट से सपा सांसद एसपी सिंह पटेल से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने खास चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी जनादेश है और बड़ी जीत है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। हमारे साथ मौजूद है प्रतापगढ़ से सांसद एसपी सिंह पटेल साहब। जाइए, क्या जनादेश है और क्या इसकी भूमिका रही है? इसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा फलीभूत हुई और उन्होंने जो नारा दिया था कि हम दलित पिछड़ों या जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हम काम करेंगे और पीडीए का नारा दिया, वो भी काम आया। इस तरह से जो है इसमें सभी वर्गों के लिए उन्होंने योजनाएं सोची हैं और जो घोषणा पत्र में जो जो बातें लिखी उसका भी बहुत बड़ा लाभ हुआ हमारे पूरे गठबंधन को, तो उससे जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकली हैं। लंबे समय से राजनीति सक्रिय है, यहाँ पर बीजेपी को खासा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, जहाँ यहाँ पर दूसरी बार सरकार बना कर आए हैं, 37 साल पुराना मिथक तोड़ दिया था यहाँ पर बीजेपी ने, क्या देखते हैं? तो इसमें यही है कि हम लोगों ने जिन जो वंचित लोग हैं उन पर काम किया है और सबको जागरूक किया है। इसमें जो है युवाओं को इस सरकार ने नौकरी नहीं दी और माननीय अखिलेश जी यादव जब अपने मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत से काम किए, उन कामों को जब बताया गया जनता को तो फिर से उन लोगों ने मन बनाया कि गठबंधन को जिताना चाहिए और ये उन्हीं की देन है कि आज जो है गठबंधन बहुत अच्छी तरह से अच्छी पोजीशन में उत्तर प्रदेश में बन के उभरा है। हर जीत के कुछ मायने होते हैं, ये बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है देश की, इस जीत के क्या मायने? ये जीत दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही भविष्य उज्जवल होगा और ये अखिलेश यादव जी भविष्य के बहुत बड़े पदों पर, मतलब मुख्यमंत्री तो अब छोटी बात होगी, प्रधानमंत्री भी बनेंगे भविष्य में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।